स्वागत है आपका। तो पीएच देख रहे थे हम, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमने कहा था कि 7 से कम है पीएच, यदि है 7 से कम लेस देन 7, तो जो गिवन आपका सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा एसिड। यदि पीएच है 7 से ज्यादा तो गिवन सब्सटेंस क्या होगा, गिवन सब्सटेंस होगा आपका बेस। और यदि पीएच है आपकी बराबर 7 तो जो गिवन सब्सटेंस होगा वो होगा न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक होगा बिहेवियर में, ना ही वो बेसिक होगा, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर। ऐसे ही जो सॉल्ट होते हैं वो मिलकर बने हैं एसिड और बेस। आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट में एसिड का भी कंपोनेंट होगा और बेस का भी कंपोनेंट होगा। तो यदि सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग ही बेस से, यदि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग ही बेस से बना है, तो जो हमारा सॉल्ट होगा उसकी जो पीएच होगी वो बराबर होगी 7 के, यानी कि न्यूट्रल होगा वो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH जो कि एल्केली भी है, यानी कि कुछ ही बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनमें से एक NaOH है। तो जब ये रिएक्शन करेगा, H2O बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, जब H2O बाहर निकल गया तो बचा NaCl। तो जो पीएच होगी NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की, जिसके बारे में हमें अभी और बातें भी करनी है, वो 7 होगी। और यदि सोल्ट बना है आपका, सोल्ट का एक कंपोनेंट आया है आपका, एक कंपोनेंट तो आया स्ट्रॉन्ग एसिड से और दूसरा कंपोनेंट है आपका वीक बेस से। दूसरा कंपोनेंट कहां से है, वीक बेस से। तो आप मुझे बताओ उसकी पीएच 7 से कम होगी या उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, पीएच 7 से कम या 7 से ज्यादा। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक कंपोनेंट आया है उसमें, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट आया है तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग सोल्ट होगा उसकी पीएच भी क्या होगी, 7 से कम ही होगी। और यदि सोल्ट बना है आपका जिसमें एक आपका है कंपोनेंट वीक एसिड का और एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का, यदि स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके बना है तो उसकी पीएच कैसी होगी, उसकी पीएच होगी 7 से ज्यादा, क्योंकि कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेस का है इसमें। और यदि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम बोलेंगे जो सोल्ट है आपका वो, उसकी पीएच होगी 7, यानी कि होगा न्यूट्रल। NaCl भी एक न्यूट्रल सोल्ट है। अच्छा, वो तो हमने देख लिया था कि एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा, यदि कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग, वीकली आयनाइज होता है तो पार्शियली आयनाइज होता है तो वीक। ऐसे ही बेस का। सोल्ट में क्या है कि यदि सोल्ट का एक भी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बनाया, एक एसिड से एक बेस से, कोई सा भी कंपोनेंट यदि आपका एसिड या बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो हम कहेंगे कि वो आपका स्ट्रॉन्ग सोल्ट है। यदि दोनों ही कंपोनेंट वीक एसिड और वीक बेस के हैं, तब हम बोलेंगे कि आपका सोल्ट जो है आपका वो वीक है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग सोल्ट। तो अब देख लेते हैं सोल्ट्स के बारे में। सोल्ट्स की एक पूरी की पूरी फैमिली है, फैमिली ऑफ सोल्ट्स। सबसे पहले आता है NaCl, जिसके समझने से ही आपको सब समझ में आएंगे, क्योंकि इसका यूज ज्यादातर सोल्ट्स को हम बनाने में करते हैं। NaCl, इसे हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट या रॉक सोल्ट या टेबल सोल्ट। तो क्वेश्चन आपको किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी भी नाम का यूज करके, तो तीनों आपको लर्न होने चाहिए। अच्छा, NaCl को हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, अकरेंस इसका कहां से होता है, एक तो होता है रॉक से, कहां से, रॉक से, इसलिए इसका नाम पड़ा रॉक सोल्ट। और एक होता है सी वाटर से, जो सी वाटर है वो बहुत सारे साल्ट रखता है, जिसमें से एक होता है आपका सोडियम का सोल्ट, यानी कि NaCl। हम क्या करते हैं, सी वाटर को, ये सी वाटर हमने लिया, इसमें वाटर है सी वाटर, और आपको पता है सी वाटर में NaCl होता है, यानी कि सोडियम का सोल्ट, और आपने जो आपका इसे इवेपोरेट किया, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना,
इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो सी वाटर, जब वाटर इवेपोरेट हो जाए तो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NaCl बचेगा। लेकिन उस NaCl में कुछ इंप्योरिटीज होगी, वो इंप्योरिटीज आप वहां से रिमूव करके आपको प्योर NaCl मिल जाएगा। और किसकी फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, किसकी, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो ये था आपका NaCl का प्रोडक्शन की कहां से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज किया जाता है आपका बनाने के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी कास्टिक सोडा हो गया, चाहे आपका वो NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा हो गया, चाहे वो Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा हो गया, तो हर जगह इसका यूज होता है बनाने में। जैसे सबसे पहले आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, NaOH, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड और Na को सोडियम, तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या है, बेस है, क्या एक बेस है। तो इसे बनाने का प्रोसेस NaCl से ही होता है। आप क्या करते हो, आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो, NaCl का सॉल्यूशन लेते हो, कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी चीज को वाटर में डिजोल्व कर दो, उसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्वस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्वस क्या होता है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन वाटर में। तो NaCl का सॉल्यूशन है हमारे पास वाटर में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है। इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। अब जब आप इसमें को इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा, कराओ पहले NaCl किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, जो हमें चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस Cl2 बनेगा, यानी कि क्लोरीन। NaCl ने H2O के साथ रिएक्ट किया, कब किया, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, और क्या बना दिया, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, बैलेंस आप कर सकते हो। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के तीनों ही हमारे लिए यूजफुल है। हाइड्रोजन का यूज हम फ्यूल के तौर पर भी करते हैं, जो आपके रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं बाहर स्पेस मिशन के लिए, वहां पर हम लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर ऑक्सीजन का भी होता है, तो फ्यूल के तौर पर भी हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन को यूज हम अमोनिया बनाने में भी करते हैं, अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया NH3, क्या फॉर्मूला है इसका अमोनिया का, NH3, अमोनिया का क्या है, NH3, जबकि NH4 होता है अमोनियम, NH4 क्या होता है, अमोनियम, अमोनियम, तो अमोनिया बनाने में भी इसका यूज होता है। Cl2 क्लोरीन, इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट में, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट जहां भी आ जाए, मतलब कि उसे जो आपका प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है। और क्लोरीन का यूज कहां कहां होता है, एक तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, और एक आपका CFCs बनाने में, CFCs नाम से पता चल रहा है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, इनका नाम आपने शायद सुन भी लिया होगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स का यूज हम रेफ्रिजरेटर्स में भी करते हैं, जो कूलिंग का काम करता है ना, फ्रिज को ठंडा करने का काम, वो मेनली CFCs ही करते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, और जिनकी वजह से आपका ये ओजोन होल हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर, ये हमने बायोलॉजी में डिस्कस भी किया था। और ये जो आपका NaOH है, इसका यूज सोप बनाने में भी होगा, इसका यूज डिटर्जेंट्स बनाने में भी होगा, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, ये इसके कुछ यूज है। इसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा CaOCl2। तो सबसे पहले तो आप क्लोरीन को ऑब्टेन कर लोगे कैसे, ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर। अब क्या करोगे आप, ये जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा किसके साथ, CaOH के होल ट्वाइस के साथ। यदि आपको याद ना रहे ना तरीका कैसे हमने इसका प्रोडक्शन किया था,
फॉर्मूले में देखो हमें सीए कैल्शियम की जरूरत चाहिए, और कैल्शियम के मैंने तीन ही बताए थे जो मेन मिलते हैं हमारे पास कंपाउंड जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, CaCO3 लाइमस्टोन। तो ये तीन ही तो हैं। अब हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी CaOH के होल ट्वाइस की। जब ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaOCl2 जो हमें चाहिए, और प्लस वाटर को रिलीज करा देगा। अब ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका यूज एक तो होता है ब्लीचिंग में, आपका ब्लीचिंग में यूज होता है इसका, कॉटन को ब्लीच वगैरह करने में। एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रह गया था। देखो जिस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ हो वो तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस चीज का आपका रिडक्शन हुआ हो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बता दूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, जबकि रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा उसे आप बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ होगा उसे आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लो, ऑक्सीडेशन वो जहां पर लॉस, जिसका लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, रिडक्शन किसका हुआ जिसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, और उसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। एक इसका यूज होता है डिसइंफेक्ट करने में वाटर को, क्योंकि भाई इसमें क्लोरीन है और क्लोरीन का यूज हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर करते हैं।